गैंगस्टर संदीप उर्फ कालाजी ठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी होने वाली है। कालाजी ठेड़ी ने अपनी शादी का हवाला देकर अदालत से पैरोल मांगी है। अदालत ने जठेड़ी के आवेदन को स्वीकार भी कर लिया है। उसे शादी के लिए 12 मार्च को दिल्ली में और 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई है। मगर ये पहली बार नहीं है जब किसी गैंगस्टर को शादी के लिए पैरोल मिली हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जब डॉन की शादी कराने के लिए पुलिस वाले ही घराती और बराती दोनों बन गए। जेल से पैरोल पर बाहर आकर कैदी ने सात फेरे लिए थे। ये शादी की तस्वीरें हैं कुख्यात सुनील राठी गिरोह के बदमाश सचिन खोखर की, जिसकी शादी पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे में रामनगर स्थित बारात घर में आयोजित साधारण समारोह में अपनी मंगेतर शेवी चौधरी के साथ सात फेरे लेकर वैवाहिक बंधन में बन गए थे। शादी की रस्में पूरी होने के बाद नवविवाहित पति पत्नी ने रिश्तेदारों से आशीर्वाद लिया। पूरे समारोह की पुलिस ने वीडियोग्राफी की। इसके बाद सचिन खोखर को पुलिस जेल ले गई, जबकि नई दुल्हन को ससुराल वाले अपने साथ ले गए थे। दरअसल 5 अगस्त 2014 को रुड़की उपकारगार मुख्य द्वार पर हुई गैंगवॉर के आरोप में बागपत जिले के सचिन खोखर उन दिनों नैनीताल जेल में बंद था। गैंगवॉर से पहले उसका रिश्ता शास्त्री नगर गाजियाबाद निवासी शेवी चौधरी से हुआ था, लेकिन शादी से पहले सचिन जेल चला गया। तब से शादी टलती रही। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति पर हरिद्वार की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर शादी के लिए सचिन को पैरोल देने की गुहार लगाई गई थी। इस पर न्यायालय ने 4 घंटे का पैरोल मंजूर किया था। पूरा कार्यक्रम तय करने के बाद सचिन को कड़ी सुरक्षा के बीच रुड़की लाया गया और रामनगर स्थित बारात घर में दोनों की शादी करवाई गई। इस शादी में बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों के साथ साथ मीडिया कर्मी भी इस शादी को शूट करने पहुंचे। जब शादी पूरी हो गई तो बाद में सचिन को जेल भेज दिया गया, जबकि नई दुल्हन को सचिन के परिवार वाले अपने साथ घर ले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।